सामने में आप देख सकते हैं ये स्टेज है, यहाँ पे जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कुछ ही देर में आएंगे यहाँ पे। और यहाँ से 6 महीने से वेट कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया। सावन के महीने में बम बम हर महादेव, पूरी तरह से राम में ही हो चुका है अपना नोएडा। तो यहाँ पे जो है भाई भंडारा हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज जो है भाई अपने नोएडा में आने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, जो पंडित जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आने वाले, उनका जो है कथा होने वाला है 10 तारीख से लेके 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में। बाकी किस जगह पे है वहाँ पे मैं आपको चल के दिखाऊंगा इस व्लॉग में, और बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से मतलब व्यवस्थाएँ, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बाकी अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है आने वाले 6 दिनों तक वो प्रोग्राम उनका चलने वाला है। बाकी अभी फिलहाल मैं हूँ नोएडा के सेक्टर 71 में, यहाँ से करीब 20 से 22 किलोमीटर पड़ता होगा। एक्चुअली बोला जा रहा है कि नोएडा में होने वाला है, लेकिन नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा में होगा। बाकी बात तो बराबर ही है, नोएडा हो चाहे ग्रेटर नोएडा। तो अभी मैं फिलहाल वहाँ पर जा रहा हूँ, और करीब मुझे आधे घंटा लग जाएगा वहाँ पर जाने में। बाकी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ मैं अपने एक फ्रेंड का, वो आ जाए, फिर उसे लेकर सीधा चलते हैं कथा स्थल पर, जहाँ पर कि भगवत कथा होने वाली है आने वाले 6 दिनों तक। तो चलिए चलते हैं। मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब बड़ा प्रोग्राम है ये, और मैंने ऐसा भी सुना है कि आज तक जितने भी उनकी कथाएं हुई हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, उस सबसे ज़्यादा बड़ा और भव्य प्रोग्राम ये होने वाला है। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और कथा के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि कब उनका दिव्य दरबार जो वो लगाते हैं जिससे कि वो फेमस हुए हैं, वो सब कब लगने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड को लेते हैं, उठाते हैं और चलते हैं सीधा कथा स्थल पर। जस्ट हम पहुंचने वाले भाई जहाँ पे कथा होने वाला है, और साथ में अपने आ चुका है तनिष्क भाई, और साथ में भाई भाई का नाम क्या है? रौनक भाई है। तनिष्क भाई अपना रशिया से आया है, तो तनिष्क भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। रशियन का है चलो क्या वो पहुँच गए भाई, यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, यहाँ से अभी आधे किलोमीटर और आगे होगा, देखते कहाँ से निकलना पड़ेगा, पूछते हैं। पार्किंग इधर है सर, पार्किंग पीछे मकोड़ा वाले रास्ते पे है। तो भाई पार्किंग के लिए हमें वापस से पीछे जाना पड़ेगा, वैसे तो कथा स्थल जो है इस तरफ है, चलना। तो भाई पीछे जा रहे हैं, एक जगह है मकोड़ा नाम करके, वहाँ पे पार्किंग बनाई हुई है। तो सारी कुछ फैसिलिटीज अभी कहाँ कहाँ पे क्या है वो सब कुछ बताऊंगा मैं, बाकी इधर वाला भी रास्ता बंद पड़ा है देख लो। चल रहे पार्किंग, पहले गाड़ी पार्क करते हैं। मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, लेकिन अभी तो भाई बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम बारिश आने वाली है लग रहा है, ये देखो। तो गाइस पहुंच चुके हैं अभी कथा स्थल पे, पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पे द्वार बना हुआ है, दरवाज़ा वहाँ पे, यहाँ से एंट्री है, और यहाँ से करीब 500-600 मीटर अंदर जाके है कथा स्थल, जहाँ पे की कथा होगा। और बाकी अभी भाई वो पंडित जी जो हैं वो आए नहीं है, कह रहे हैं कि 4 बजे के करीब वो आएंगे। चलते हैं अंदर में और फिर सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर बताऊँ तो काफ़ी बड़े एरिया में जो है सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, पार्किंग वगैरह की आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीछे है ना, ये मेन रोड है ग्रेटर नोएडा वाला, पूरा बंद कर रखा है इसको, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। हम जो हैं खुद अब पीछे गांव में से आए हैं। वैसे ये जगह बताऊं कौन सी जगह है, तो ये जगह भाई ग्रेटर नोएडा में जैतपुर मेट्रो डिपो के पास में, जस्ट जैतपुर का जो मेट्रो स्टेशन यहां पे है डिपो पीछे में, और यहां पे जो है अपना कथा का आयोजन किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं सारी चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं है। यहाँ देखिए गेट बना हुआ है, श्रीमद भगवत कथा स्वागतम, तो यहाँ से जो है स्वागत हो चुका है भाई श्रद्धालुओं का। तो अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है कथा का प्रवचन करेंगे। देख सकते हैं पंडाल लगा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, और देख सकते हैं चारों तरफ कुछ इतना बड़ा सा पंडाल लगा है, और वहां सामने में जो आप दूर में देख रहे होंगे वहां पे है स्टेज जहां पे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं बैठेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा अभी बारिश का मौसम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है नोएडा ग्रेटर नोएडा में। तो जो टेंट देख रहे हैं आप, ये एक जर्मन टेंट है जो कि पूरा जो है वाटर प्रूफ है। तो अगर बारिश होती भी है तो ऐसे में भक्त जो आ रहे हैं जितने भी लोग उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पूरा वाटरप्रूफ टेंट है और काफ़ी बड़ा सा टेंट है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से 15 से 20 लाख लोग जो हैं आने की जो है अभी भाई अनुमान लगाया जा रहा है, और बहुत बड़ा सा टेंट बना हुआ है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि ऐसे ऐसे स्क्रीन्स वगैरह लगाए गए हैं,
ताकि जो लोग पास जाके दर्शन नहीं कर पाएंगे वो दूर में बैठ के भी दर्शन कर सकें। और पूरी व्यवस्था करी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे कूलर वगैरह भी लगाए गए हैं, क्योंकि गर्मी भी हो जाती है, उमस हो जाती है जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं एक जगह पे, तो ऐसे में यहाँ पे कूलर की भी व्यवस्था करी गई है। तो काफ़ी ओवरऑल देख रहे हैं हम अभी तक जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बाकी आगे लेके चलता हूँ मैं आपको स्टेज के पास में, जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठेंगे। और मैं आपको साथ में बता दूँ कि भाई अभी पंडित जी जो हैं वो यहाँ पे आए नहीं है कथा स्थल पे, उनके आने में टाइम है। तो तब तक सारी जो व्यवस्था है यहाँ पे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पास में चल के। हाँ, बाकी यहाँ पे आप सुन सकते हैं भाई कन्हैया मित्तल जी का जो है गाने वगैरह जो है चल रहे हैं, क्योंकि अभी से लोग जो हैं आना स्टार्ट कर चुके हैं भारी मात्रा में। आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे पीछे में अभी खाली है, क्योंकि लोग जो हैं बाहर की तरफ चारों तरफ फैले हुए हैं। पास में लेके चलता हूँ, यहाँ पे आगे जो लोग हैं ना पहले आके बैठ चुके हैं कि अपना जगह घेर के रख लें, और जब पंडित जी आएँ वो सबसे आगे रहें उनको सुनने के लिए। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। और नीचे भी देख सकते हैं बैठने के लिए भी पूरा अच्छे से ये जो है बिछाया गया है, ताकि लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो। और ऐसा बोला जा रहा है कि कितनी भी बारिश हो जाए यहाँ पे जो है अंदर में पानी बिल्कुल भी बारिश का नहीं आएगा। तो उस सबको मतलब ख्याल रखते हुए ये जो टेंट है बनाया गया है। और कहते हैं कि भाई ये जितने भी प्रोग्राम हुए पंडित जी के आज तक का सबसे बड़ा आयोजन है ये जो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा लोगों के आने की अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ जो स्टेज बनाया गया है जहाँ पे बैठेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित जी बैठेंगे। वहाँ से आपको अभी मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ जिस पे बैठ के वो जो है कथा का प्रवचन करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप? बाबा आ रहे हैं अपने शहर ग्रेटर नोएडा में, बहुत ज़्यादा सावन के महीने में बम बम हर महादेव हर हर महादेव। तो लोग जो है भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि लोगों के हाँ जी जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, हम बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो बाबा के भक्त यहाँ पे चारों तरफ जो है आए हुए, हम छह महीने से वेट कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया। तो फाइनली बाबा अपने शहर में आ चुके हैं पंडित जी जी। तो चारों हाँ भाई नीतीश यादव, तो लोग जो भाई चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हाँ भाई क्या कहना चाहोगे भैया? बस बहुत बढ़िया भाई। तो कैसा लग रहा है आपको पंडित जी जो है अपने शहर में? जय श्री राम। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोग जो है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बाबा आए हमारे शहर में, बहुत बहुत बढ़िया। जैसे बाबा जो सनातन धर्म को अपने सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ाने का काम करें, क्या कहना चाहोगे आप? वैसे जय श्री राम का नाम रहना हो, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राममय हो चुका है अपना नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी। सामने में आप देख सकते हैं ये स्टेज है यहाँ पे जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कुछ ही देर में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से जो है कथा का प्रवचन करेंगे। सभी लोग आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग आके बैठे हुए हैं, गर्मी के बावजूद भी लोग जो हैं अपने हाथों में पंखा लिए जो इंतजार कर रहे हैं बाबा का कि कब बाबा आएंगे और फिर ये लोग बाबा को सुनेंगे। बाकी ये स्टेज है आपके सामने में, यहाँ से ही बाबा जो है प्रवचन देंगे। आप चारों तरफ देख सकते हैं भाई अभी से भीड़ जो है शुरू हो चुकी है, तो बस लोगों को इंतजार है कि कब बाबा यहाँ पे आए, कब कथा शुरू हो, और कब एक झलक पाने के लिए मतलब सब लोग बेताब हैं कि कब इनको जो है बाबा से बस एक बार मिल जाएं लोग। भाई जिनके भी मतलब जिनसे भी बात कर रहा हूँ सब लोग यही कह रहे हैं कि जय श्री राम जय श्री राम, मतलब पूरी तरह से राम में ही हो चुका है अपना नोएडा। तो नोएडा में फाइनली बाबा बागेश्वर धाम जो है पधार चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं भाई। गर्मी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी उमस हो रखा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप है नहीं बिल्कुल भी, और उमस का मौसम है पूरा, लेकिन फिर भी लोग जो हैं चारों तरफ अपना पंखा लेके बैठे हुए हैं। क्यों भैया क्या कहना चाहते हो? हाँ भाई बहुत गर्मी हो रखी है, गर्मी हो रखी है, लेकिन भक्त जो है बेताब है कि बाबा कब आए, बैठे हुए इंतजार में हैं। बाबा शायद 4 बजे के बाद आएंगे। 4 बजे तो जैसे सुनने में आ रहे हैं 4 बजे आएंगे बाबा। वैसे नोएडा पहुँच चुके हैं ना, कहाँ वो यहाँ रह रहे हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में शायद रुके हैं। हाँ शायद वहीं पर। हाँ तो यहीं पास में जो है बाबा रुके हुए हैं, 4 बजे के करीब जो है बाबा आएंगे। लेकिन भाई चारों तरफ जय श्री राम के नारा जो है गूंज रहा है, और लोग भक्ति में हो चुके हैं पूरा। चलिए बाकी और मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं लोगों के आने के लिए। और आप भी अगर आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ 10 तारीख से लेके 16 जुलाई तक जो है ये प्रोग्राम पूरा रखा गया है। ना लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। चैनल लाइव? हाँ जी। कौन सा? जय श्री राम। बताओ कर रहे हैं घंटा से, बताओ ना भैया, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। बताओ क्या कहना चाहते हो भैया आपके शहर में, अपने नोएडा में जो है बाबा आ चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी,
शहर में आ चुके हैं, यहाँ पे आने का इंतजार है। हाँ, आने का इंतजार। तो सारे लोग जो है बेताब है भाई, लोग अपने बाबा आएंगे चार बजे, चार बजे तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये मिला सेवा हुआ, मैं कार्ड मिला हुआ, सेवा में कार्ड मिला हुआ मैं। तो ये सारे जो बताता हूँ, ये सारे लोग जो है भाई वॉलंटियर है, जो देख रहे हैं आप इनके पास कार्ड है और ये बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और भैया ये बताओ मुझे, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था करी गई है? तो जैसे कि आपको पता होगा बाबा जहाँ पे भी जाते हैं कथा करने के लिए, वहाँ पे अन्नपूर्णा भंडारा चलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो आयोजन करा गया है, तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था है। 10 से 15 लाख लोगों के आने का अनुमान है। तो बस इंतजार है तो बाबा के आने का। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलश रखे हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे कल जो है कलश यात्रा हुई थी। तो जितने भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं यहाँ पे, इन सब कलश को जो है अपने ऊपर रख के, सिर के ऊपर, और यहाँ पे कलश यात्रा हुई थी। तो वही सारे जो है यहाँ पे कलश रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में टेंट लगा हुआ है पूरा, और यहाँ पे जो है टॉयलेट की व्यवस्था भी करी गई है इस तरफ में, आप देख सकते हैं। बाकी इतना बड़ा एरिया आप टोटल देख सकते हैं, उधर भी बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान है, और इधर की तरफ टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की गाड़ी है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है। अगर भगवान न करे अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था करी हुई है। क्या ले रहे हो भाई? रुद्राक्ष। तो यहाँ पे रुद्राक्ष ले रहा है भाई। तो ये चेक करके बता रही कि ये रुद्राक्ष असली है या नहीं, कैसे चेक करते हैं इसे? घूमेगा नकली होगा नहीं? रुक जा बाबू, अगर असली होगा तो ये घूमेगा? घूम रहा है। घुमाना। अच्छा अच्छा, तो ऐसे है रुद्राक्ष में चेक होता है। पानी में? पानी में। इसमें पर छेद तो है नहीं? हाँ छेद तो है नहीं। छेद नहीं कराना, चांदी में बना के पहनना अच्छा रहेगा। तो अब जो है रुद्राक्ष को पानी में चेक करेंगे। चलिए करिए। डूबा असली रहेगा तो डूब जाएगा। असली रुद्राक्ष होगा तो ये पानी में डूब जाएगा। चलो डुबाओ इसे। डूब चुका है ये। तो ये पानी में डूब गया, यानी कि ये रुद्राक्ष असली है। हाँ कितने का दे रहे हैं आप ये? 100 रुपए का। एक एक मुखी है ये? हाँ ये एक मुखी है। और दूसरा कौन सा होता है? दो मुखी है। अच्छा। ये जो मेरे हाथ में ये 5 मुखी है। अच्छा पहन भी रखा है ये रहा 5 मुखी। तो अभी सामने में आप जो जगह देख रहे हैं ये, यहाँ पे जो है भंडारा का आयोजन है। देख सकते हैं आप 2 टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, और अंदर में जो है भंडारा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है भाई भंडारा हो रहा है, देख सकते हैं आप। पूरी सब्जी यहाँ पे देखिए, सब्जी है और इधर पूरी वगैरह है। लोग जो है अपना आ रहे हैं और यहाँ पे प्रसाद का भी आनंद ले रहे हैं। और मैं बताऊं, ये जो भंडारा है 24 घंटे यहाँ पे चलने वाला है, 6 दिनों तक, 10 तारीख से 16 तारीख तक। जितने दिन कथा होगी यहाँ पे जो है आपको प्रसाद 24 घंटे यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को शेयर नहीं करा तो शेयर कर दीजिए अभी के अभी। और ऐसी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए ना चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा फेसबुक पे। और मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।